हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं टैक्सोनॉमी। हमने आपको टैक्सोनॉमी के पूरे क्वेश्चन करा दिए हैं विथ नोट्स के साथ। हमने नोट्स भी टैक्सोनॉमी के दिए थे। अब हम चर्चा करते हैं कि जो हमने आपको टैक्सोनॉमी बताई है या नोट्स हमने उपलब्ध कराए हैं, उनमें से कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। और हम अभी तैयारी करा रहे हैं आपको TGT, PGT, KVS, NVS, DSSB, UP, MP, झारखंड, उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी की। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा क्या गया है, अकॉर्डिंग टू, देखिए हम प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन, प्रोटोजोआ को किस में प्लेस्ड किया गया है। विटकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उन्होंने देखिए जो दिया था, उन्होंने क्या दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा। ये पूरी डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांट्स और एनिमल। तो मोनेरा में आते हैं कौन से, प्रोकैरियोट्स आते हैं। कौन से आते हैं, प्रोकैरियोट्स। और प्रोटिस्टा में आते हैं एक कोश की संकेंद्री और कोशिकांग उपस्थित, यानी इसमें आते हैं प्रोटोजोवंस, जनरली प्रोटोजोवंस आते हैं। फंजी में फंगस आते हैं, प्लांटी में प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स में सारे एनिमल्स आते हैं। तो उन्होंने क्या पूछा है, प्रोटोजोआ को किस में रखा गया है, तो सिंपल सी बात है, प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ को रखा गया है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, इन पांचों में से खूब पूछते हैं कि खासकर प्रोटिस्टा और मोनेरा में पूछते हैं, क्योंकि फंजी में तो सिंपल सी बात है, हम तुरंत पता लग जाता है कि इसमें फंजाई संबंधित है, प्लांटी, मगर इन दोनों में से अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, मोनेरा और प्रोटिस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है TGT बायोलॉजी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, माइकोप्लाज्मा बिलोंगिंग टू विच किंगडम, माइकोप्लाज्मा किस जगत में संबंधित है। तो देखिए माइकोप्लाज्मा जो होता है वो प्रोकैरियोट्स होता है, तो वो किस में प्रोकैरियोट्स रखे गए, मोनेरा में, तो इसका सही आंसर होगा मोनेरा। और देखिए मोनेरा जगत में बैक्टीरिया रखे गए हैं और रिकेट्स रखे गए, माइकोप्लाज्मा आर्कियोबैक्टीरिया इसमें रखे गए हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, और इसमें साइनोबैक्टीरिया भी रखे गए हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज डिस्कवर्ड बाय, तो UPSC प्री 1994 में हुआ था, तो आप सब जानते हैं लीनियस इससे संबंधित थे, और इन्होंने दो नाम, जेनरिक और उसका जो जीनस और स्पीसीज को मिलाकर इन्होंने कहा था हम उसका जूलॉजिकल नेम देंगे, जिसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। एनिमल इन विच माउथ डेवलप अपोजिट टू ब्लास्टोस्पोर आर कॉल्ड, तो देखिए प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया दो शब्द दिए गए थे, तो ध्यान रखिएगा प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया, तो इससे आंसर क्या लगेगा कि ड्यूटेरोसोमिया, जंतु जिसमें ब्लास्टोपोर मुख विपरीत गुदा का निर्माण होता है ड्यूटेरोस्टोमिया कहते हैं। लगभग सभी अकशेरुकी प्राणियों में ब्लास्टोपोर से मुख का निर्माण होता है, परंतु कशेरुकी प्राणियों में ब्लास्टोपोर से गुदा का निर्माण होता है। द टर्म बायोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस बाय, तो बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, तो यहाँ जो आता है लैमार्क और ट्रेविनस नाम के दो साइंटिस्ट ने दिया था, तो यहाँ चूंकि लैमार्क है 1802, तो ये देखिए UPSC प्री 1996-1997 में यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हार्वी वोरस सी मैमल्स बिलोंग टू द ऑर्डर, हार्वी वोरस जो सी मैमल्स होते हैं वो किस ऑर्डर को बिलोंग करते हैं, यानी जो शाकाहारी बोल सकते हैं जो होते हैं वो सी के मैमल्स, वो किस ऑर्डर्स को बिलोंग करते हैं, फिलिडोटा या सिटेसिया या सिरेनिन या आर्टियोडेक्टाइला, तो इसका ऑप्शन सी सही है, सिरेनिया, सिरेनिया, हार्वीबोरस सी मैमल्स बिलोंग टू ऑर्डर सिरेनिया, ध्यान रखिएगा, और ये आपके सामने रखे गए हैं, हार्वीबोरस सी मैमल्स सिरेनिया इंक्लूड स्केली एंटीएटर फोलिडोटा और ओमनीबोरस करेक्टर जो है सिटेसी में पाया जाता है, और हुफेड मैमल जो होते हैं आर्टियोडक्ट में पाए जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीरोस्पोरेंजिया बिलोंगिंग टू द सब क्लास, देखिए यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किससे बिलोंग करता है, जो प्रोटीरोस्पोरेंजिया होता है वो किस सब क्लास से बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है जूमैस्टिगोफोरा से, किससे बिलोंग करता है, जूमैस्टिगोफोरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कॉमन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन आर जीनस, फैमिली, स्पीसीज, ऑर्डर, वैरायटी। तो इनका क्रम क्या होगा, अब बताइएगा इनका क्रम क्या होगा। तो यहाँ हम छोटे से चलेंगे, स्पीसीज के बाद आता है जीनस, जीनस के बाद क्या आता है, तो उसके बाद आती है फैमिली, फिर क्या आता है ऑर्डर, फिर क्या आता है फैमिली के बाद ऑर्डर, फिर आती है वैराइटीज। तो ये इनका क्रम है, ये यूपीपीएससी प्री 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था। आइडेंटिफाई द ग्रुप इन द फॉलोइंग हैविंग ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू द सेम क्लास। तो बताइएगा ये जो क्वेश्चन आया ये वाला, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आपके केवीएस में आया हुआ क्वेश्चन है और ये एनवीएस में भी पूछा गया है, हमारा पेपर सॉल्व बोर्ड पड़ा है तो अब देखेंगे वहाँ। तो बताइएगा डॉग फिश, सिल्वर फिश, क्रे फिश और फ्लैटिस, इनमें से आप बताइएगा। तो इनमें से ऑप्शन बी सही है, ग्लोवर्म, सिल्कवर्म, हाउस फ्लाई और बेडबग, ये सारे आर्थ्रोपोड्स में आते हैं। ग्लोवर्म, सिल्कवर्म, हाउस फ्लाई, बेडबग और ये सारे फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द हिस्ट्री ऑफ एनिमल साइंस द पर्सन हु फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉसिल एज एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन वाज। तो बताइएगा तो वो कौन से थे, जॉर्ज क्यूवियर, कौन थे, जॉर्ज क्यूवियर। जॉर्ज क्यूवियर वॉज फर्स्ट द रियलाइज दैट फॉसिल वेयर द ऑर्गेनिक रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल बिकॉज ऑफ हिज वर्क विथ फॉसिल्स ही वॉज गिवेन द टाइटल ऑफ फादर ऑफ पैलियंटोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्राइव्ड फ्रॉम इट लैटिन वर्ड। तो बताइएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, पोरीफेरा, एनिलिडा और मोलस्का, ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से पोरीफेरा और एनिलिडा, मोलस्का, ये सारे लैटिन शब्द से लिए गए हैं। एप्लाइसिया बिलोंगिंग टू द क्लास, एप्लाइसिया किस क्लास को बिलोंग करता है, तो गैस्ट्रोपोडा को बिलोंग करता है। एप्लाइसिया गैस्ट्रोपोडा और ऑक्टोपस सिफाइलोपोडा, देखिए ये क्वेश्चन आए हुए हैं केवीएस और एनवीएस में आए हुए हैं, ये यूपी पीजीटी और टीजीटी में कई बार क्वेश्चन ऑक्टोपस कई बार पूछा गया है किस, देखिए ये सेम तो नहीं आया, ये ऑक्टोपस बना था कि किस क्लास से बिलोंग करता है, तो वो सिफाइलोपोडा से, यूनियो बाईवाल्विया से, और काइटन जो है एम्फी न्यूरा से बिलोंग करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। द बुक ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वॉज पब्लिश्ड इन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक प्रकाशित हुई थी तो 1859 में प्रकाशित हुई थी। लीनियस पब्लिश्ड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट इन, किस बुक में इन्होंने पब्लिश किया था, तो वो कौन सी थी बुक, बताएगा आप, तो वो थी स्पीसीज प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटर बायोनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट पब्लिश इन 1750, सिस्टेमा नेचर, देखिए इन्हीं की बुक है, प्रीनोमियल सिस्टम ऑफ एनिमल। अब यहाँ से आप जेनरा प्लांटेरम, कैरोलस लीनियस, फिलोसफिया बोटेनिका Also written by the Carolus Linnaeus, it is the first textbook of the descriptive systematic botany and botanical Latin. तो ये सारी बुक है इनकी, और जेनरा प्लांटेरम ध्यान रखे बैंथम और हुकर ने भी लिखी है, ये भी क्वेश्चन देखना, जेनरा प्लांटेरम बैंथम हुकर ने भी लिखी है, जेनरा प्लांटेरम लीनियस ने भी लिखा है। स्पीसीज ऑफ प्लांटेरम जो है इसमें फर्स्ट बायोनोमियल नोमेनक्लेचर दिया गया था, तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो ये हम लगता है, और जेनरा प्लांटेरम जो लीनियस ने लिखी और बेंथम हुकर, तो यहाँ भी आप ये क्वेश्चन मार्क करके रखिएगा। स्पीसीज शब्द जॉन रे ने दिया था, ये तो आप सब जानते हैं। कैरोलस लीनियस ने बायोनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, ध्यान रखिएगा। और जो मायर थे इन्होंने शायद, मुझे याद नहीं आ रहा है, इन्होंने शायद बायोजेनिक करके, मैंने आपको बताया है उसमें जो नोट्स उपलब्ध कराए, देखेगा ये संबंधित जिससे है, हेक्सुलोए ने तो कहा था कि जीव द्रव्य जीवन की भौतिक आधारशिला है। द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम इज एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री, द्वि पार्श्वी सममित दिखाने वाला प्राणी जगत का पहला संघ कौन सा है। तो देखिए आर्थोपोडा, एनिलिडा, मोलस्का,
ये सब आते हैं इसमें, तो इसमें से कौन सा पहला है? तो इसमें से पहला कौन सा आएगा? प्लेटी हेलमिंथीस जो है बाइलेटरल सिमेट्री दिखाने वाला प्राणी जगत का पहला संघ है। इसमें जंतु एक्सिस से दो भागों में विभाजित हो जाता है। शरीर का संगठन ऑर्गेन ग्रेड लेवल का पाया जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी तो कैरोलस लीनियस को जानते हैं, तो ये 2009 में पूछा गया है, टीजीटी बायोलॉजी 2009 में। अरस्तु को तो सब आप जानते हैं, जो अरस्तु हैं उनको फादर ऑफ जूलॉजी या जीव विज्ञान के पिता, और जंतु विज्ञान के बेंथम होकर नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था। इन विच द फॉलोइंग सब क्लास ऑफ रेप्टाइल्स ऑफ स्कल हैज ए सॉलिड रूप। सरीसृप के निम्न में किस उपवर्ग के कपाल की छत अविच्छिन्न होती है? तो किसकी अविच्छिन्न होती है? तो ऑप्शन ए सही है, एनोप्सिडा। सरीसृप के एनोप्सिडा उपवर्ग के कपाल की छत अविच्छिन्न होती है। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज ट्रू, सत्य क्या है? तो बताइएगा सत्य क्या है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, सरीसृप पक्षी स्तनी एमनियोटा कहलाते हैं। रेप्टाइल्स एवीज मैमल्स आर एमनियोटा। फिर क्वेश्चन आता है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आप, ये तो यूरोकार्डेटा का है, तो मुझे तो यूरोकार्डेटा पता है, देखते हैं शायद कुछ और हो, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, यूरोकार्डेटा का विशिष्ट लक्षण है, इनमें टैडपोल से वयस्क विकास के दौरान कुछ अंग संकुचित होकर पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं, जैसे कि हार्डमानिया और बोट्राइलस। तो हम लोग हार्डमानिया बीएससी में पढ़ते हैं, बोट्राइलस तो नहीं पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताना भूलिएगा। इसके आगे का वीडियो हम जल्द ही उपलब्ध कराएंगे। इसी के साथ नमस्कार, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें।